वो इनिशियेटिव है जहां पर हम एच प्रस एक्सक्लूसिवली उसके लिए हम एमसीक्यूज जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं फिर चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हो या अदर रेलिवेंट एमसीक्यूज होल्पोर्टेंट टॉपिक्स राइट सब कुछ कवर किया जाएगा राइट एज वी ऑल नो हमारा एच प्रीलिम्स कब कनेक्ट होने वाला है फेरवरी ट्वेंटी ट्वेंटी बहुत ही जल्दी एग्जाम भी कनेक्ट होने वाला है तो अकॉर्डिंगली वी हैव प्रिपेयर दिस लेक्चर सीरीज फॉर यू वेयर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहे वो आपके स्टैटिक पार्ट हो डायनेमिक पार्ट हो करंट अफेयर वाला पार्ट हो स्टैटिक के अंदर आपकी पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री जोग्रफी साइंस एंड एवरी थिंग हरियाणा जी की हरियाणा जी के हरियाणा का स्टैटिक पार्ट हरियाणा का करंट अफेयर वाला पार्ट एवरी विल बी कवर्ड हेयर विद यू जितनी कोशिश रहेगी हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आपके लिए कवर करके लेके आएंगे ऑल वी वॉन्ट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अस राइट हमारी इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करें दिस इज द ओनली थिंग दैट वी और ये एक्सक्लूसिवली फ्री है एकदम एब्सोल्युटली फ्री है आपके लिए कोई कॉस्ट कोई चार्ज आपसे लिया नहीं जा रहा इस कोर्स के लिए राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो आज अपनी जो वीडियो है इकोनॉमी से रिलेटेड है इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो डिस्कस जाएंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी ट्वेंटी 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 थर्टीन दो हजार तरह का जो यूपीएससी का पेपर था वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट अपने इको के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे आज उनसे डील करेंगे सी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहां से कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं बिकॉज अगर आप अब पैटर्न एनालाइज करो तो एच जो है काफी हद तक अपना यूपीएससी के साथ अलाइन होता जा रहा है विच इज अ गुड थिंग अगर आप एक सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं राइट इफ यू एक्चुअली आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट देन इट इज अ गुड थिंग फॉर यू बिकॉज ऑफ एनालिटिकल पेपर है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पेपर है राइट क्रैम एंड गो वो वाला काम नहीं होगा आप कुछ चीजों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए देन ओनली यू विल भी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम राइट सो दैट इज द थिंग वाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दीज क्वेश्चन एंड अदर थिंग दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एज वेल अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ना भी अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं अभी इन क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशली आज राइट ओके सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो ओके विद द फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट या ग्रांट्स डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बेसिकली क्या की है डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस राइट हमेशा कीवर्ड पे जरूर फोकस करना चाहिए क्वेश्चंस में और ये पूछना चाहिए देखना चाहिए करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट ये भी जरूर देखा करो अगर लास्ट ईयर का अभी जो रिसेंटली जो प्रीलिम्स हुआ था एचसीएस का उसमें इस चीज़ में बहुत दिक्कत हुई थी बच्चों को बिकॉज वो जो करेक्ट और नॉट करेक्ट उन्होंने हाईलाइट ही नहीं किया था बस सिम्पलिक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया था तो कई बार वो नज़रअंदाज हो जाता है बिकॉज एग्जाम के टाइम थोड़ा प्रेशर रहता है तो ये चीज़ें लाजमी है आपकी कि आप ये चीज़ें इग्नोर कर सकते हो तो डोंट डू दिस सिली मिस्टेक्स दैट इज द रीजन वाई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस फैक्ट कि जब भी क्वेश्चन को पढ़ो दो बार पढ़ो कीवर्ड्स पे फोकस करो करेक्ट पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है एवरीथिंग इन सब पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है आपको राइट ओके ऑप्शन हैं आपके फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक्स देन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड थर्ड इज लैंड डेवलपमेंट बैंक आंसर करेक्ट राइट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो ऑप्शन है आपके ए वन एंड टू ओनली बी टू ओनली सी वन एंड थ्री ओनली या डी वन टू एंड थ्री राइट ओके तो अब यहां पर जो पूछा आपसे पूछा डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस क्रेडिट असिस्टेंस जो है मतलब पैसा जो है रूरल हाउस के लिए तीनों ऑर्गेनाइजेशन का काम है तीनों ही कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं इनका काम ही है कि रूरल हाउस होल्ड है रूरल फैम जो फार्मर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर है बेसिकली उसको डेवलप करने की बात हो रही है यहाँ पर उनको लोन प्रोवाइड करने की बात हो रही है क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात हो रही है बट जो की है यहाँ पर डायरेक्ट कि सीधा सीधा फार्मर्स को कौन लोन दिया जा रहा है कौन लोन दे रहा है इसमें से तो अगर हम सीधा इसमें ऑप्शन से देखें सबसे पहले आते हैं नबार्ड के ऊपर राइट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दिस इज नाबार्ड तो क्या नाबार्ड डायरेक्ट क्रेडिट नो इट डज व्हाट इज कॉल्ड एज रीफाइनेंसिंग रीफाइनेंसिंग ये refinancing करते का क्या मतलब होता है कि नाबार्ड पहले आगे एक और बॉडी को लोन देगा उनको पैसे प्रोवाइड करता है फर्दर फिर वो बॉडी डायरेक्ट क्रेडिट क्रेडिटेंट देगी फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड किसको देगा लाइक like, को इनका सुपरवाइजर भी होता है और भी सर्टेन बॉडीज होती हैं बट बेसिकली आरआरबी को वो पैसे प्रोवाइड करेंगे कि भी पर्टिकुलर स्कीम है कोई उसके अंदर नबार्ड को पैसे अलॉट हुए कि भाई हाँ आप एग्रीकल्चर पे देंगे तो नबार्ड आगे आरआरबी को देगा कि भाई फलाना अगर, अगर, अगर फार्मर आ रहा है वो इस स्कीम के अंदर अगर एलिजिबल है तो वो आपसे लोन लेगा इस स्कीम के अंदर हम उसके लिए आपको पैसा दे रहे हैं राइट है। इस इस तरीके से नबार्ड हेल्प करता है <coughs> तो क्या डायरेक्ट क्रेटिव असिस्टेंस है नो इट इज इनडायरेक्ट बेसिकली इनडायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस है इसको रीफाइनेंसिंग कहा जा रहा है राइट सो फोकस ऑन दीज थिंग्स तो जैसे वैसे ऑप्शन से करेंगे टू को हटाते आंसर तो अपना आ जाता है सी बट स्टिल एक बार ऑप्शन जरूर देखते हैं RRBs, yes, Banks, वो है रूरल हाउस होल्ड को इनफैक्ट इनका तो सेवेंटी फाइव परसेंट पी एस एल होता है सेवनटी फाइव परसेंट पी एस एल है किसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए राइट right. एक डिफरेंशिएटेड बैंक है डिफरेंट पर्पज से बनाते रीजनल रूरल बैंक को यस और नो देन

राइट देन कंटिन्यू द वीडियो एंड जस्ट चेक कि आपने आंसर करेक्ट करे या इनकरेक्ट करे है? अगर करेक्ट करें तो वेल एंड गुड इफ यू हैव आंसर द क्वेश्चन रॉन्ग इनकरेक्ट अगर आपका आंसर आ गया है तो देन चेक कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं राइट बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी गलती को फिर रेक्टिफाई करें काइंडली एडिट्यूट नोट्स एंड ऑल नोट्स एंड ऑल बिकॉज होता क्या है अगर आप जब गलती करते हो उसको देखते हो तो चीजें अच्छे से याद होती हैं वो ज्यादा अच्छे से याद होती हैं कहते हैं ना इंसान अपनी गलतियों से सीखता है दैट इज अ थिंग जब आप इनकरेक्ट आंसर करेंगे डेफिनेटली वहां पर आपको ज्यादा चीजें से याद होगी आई एम नॉट की ऑल करेक्ट ट्राई टू आंसर ऑल इन करेक्ट बट वट आई एम ट्राइंग टू सही जब भी आपकी इनकरेक्शन होती है आपको वीडियो को पॉज करना है अपने आप देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है और जैसे ही आपको लगता है इनकरेक्ट है आपने जैसे आंसर चेक करा वीडियो के थ्रू तो डाइंडली मेक अ नोट ऑफ इट कि कहाँ गलती कर रहे हो सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे कि टॉपिक हमने ढंग से रिवाइज कि नहीं करा वो सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए उसके बाद राइट ओके तो ऐसे ही कर आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर बट मैं कंटिन्यू करूंगा मैं वीडियो को पॉज नहीं करने वाला आपके लिए राइट ओके सेकंड, द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री राइट द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू नेशनल इनकम की बात कर रखी है फॉर अ अ गिवन पीरियड नेशनल इनकम ऑफ़ कंट्री ओके ऑप्शन है ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल ओके सम ऑफ टोटल कंजम्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओके पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ओके मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड एक अच्छा क्वेश्चन है, से. से है. उसमें से कौन सा नेशनल इनकम कौन सी उसमें से राइट सो ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नेशनल इज दिस नेशनल इनकम नो दिस इज नॉट द नेशनल इनकम बेसिकली ये जी एन पी कहते हैं इसको बट यहां पर एक की वर्ड मिसिंग है विच इज मॉनिटरी अगर मॉनिटरी वर्ड भी नहीं है तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर सो ये क्या है इन आंसर है ओके देन सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नो ये तो टोटल आपका एक्सपेंडिचर आ गया एक तरीके से वो भी खाली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यस सर नो तो दिस इज नॉट एट ऑल एंड नेशनल इनकम देन सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिया आंसर क्या है यस yes, डी मनी वैल्यू मॉनिट्री वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन द कंट्री इज नोन एज द नेशनल इनकम मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन कंट्री इज नोन एज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड यूजअली वन ईयर एक साल के लिए मेजर करते हैं जिसको यस सो नो सो दैट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन डी आई होप न समथिंग फॉम दिस क्वेश्चन एज वेल एंड आई होपिंग आपने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा अगर इन करेक्ट किया है तो प्लीज देखे कहा गलती कर रहे हैं राइट ओके नेक्स्ट सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम वेन देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देर विल बी राइट क्वेश्चन का की वर्ड क्या है यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग सेम सप्लाई कॉन्स्टेंट है सप्लाई कॉन्स्टेंट है बट डिमांड बढ़ रही है राइट right? डिमांड फॉर मनी इज इंक्रीजिंग अब क्या इंप्लीकेशन होगी इसकी ऑप्शन है ऑप्शन ए अ फॉल इन द लेवल ऑफ दाइजेस ऑप्शन बी एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन सी अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑप्शन डी एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ओके दी द थिंग इज जब सप्लाई कॉन्स्टेंट होता है और डिमांड बढ़ जाएगी मनी की तो उसके इसमें क्या आएगी इन्फ्लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कॉज इन्फ्लेशन दैट इज द जनरल राइज इन द लेवल ऑफ दाइज मतलब लेवल ऑफ चीजें महंगी हो जाएंगी यस yes no? और नो इन्फ्लेशन होगी इसके सभी डिमांड बढ़ रही है उसके इसमें होगा ना ये right? राइट वही क्वेश्चन पूछ रहे आपसे ओके okay, अब ऑप्शन देखते हैं ए फॉल इन द लेवल ऑफ दाइजेज नो इनफैक्ट राइज इन द लेवल ऑफ दाइजेस होगा ओके देन एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ओके यस लेट्स सी कैसे होगा ये बिल्कुल सही है ये भी अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट नो इंक्रीज इन दिन नो नाइर नहीं है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जनरली जो आरबीआई है इंक्रीज करेगा टाइट मॉनिटरी पॉलिसी फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू विच इट विल इंक्रीज द रेपो रेट अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो काइंडली वॉच माई प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने अच्छे से समझाया है कि कैसे ये चीज़ों को रेपो रेट को कैसे इफेक्ट किया जाता है मॉनिटरी पॉलिसी पे मैंने पूरे लेक्चर सीरीज बना रखी है जहां पे मैंने काफी सारे टूल्स बता रखे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स सो काइंडली वॉच दैट वीडियो तो आपको ये समझ में आएगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तब आर टाइट मॉनिटरी पॉलिसी फॉलो करता है एंड अकॉर्डिंगली इट विल इंक्रीज द रेपो रेट अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो इट मे इट विल डेफिनेटली या फिर मे बी बेसिकली कंफर्म नहीं होता बट जनरली होता है दैट इट विल इंक्रीज इन द रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट अगर अगर रेपो बढ़ा रहे हैं तो बाकी जनरली भी मार्केट में पैसा बढ़ रहा है ना आपका जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज किया जाता है बिकॉज ज्यादा पैसे तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो उस केस में भी क्या होगा जनरली आपका इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर काइंडली वॉच माई प्रीवियस वीडियो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझने के लिए ओके okay? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इनफ्लेशनरीवर्ड क्या है पर? Most inflationary. Inflationary basically कहीं ना कहीं बट सबसे इफेक्ट किसका पड़ रहा है क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहे राइट ऑप्शन ए है आपका रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट ओके ऑप्शन बी बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट ओके बोरोइंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट ओके

यस yes. इस केस में भी क्या होगा इन्फ्लेशन इस केस में भी आएगी बोरो कर रहे हैं पैसा बढ़ा रहे, रहे हैं मार्केट से रहे हैं ओके देन बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट यस बोरोइंग यहां पर भी होगा ओके क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी विल बी ऑप्शन डी जब नोट प्रिंटिंग होगी इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है क्रिएटिंग न्यू मनी जब नोट प्रिंट किए जाते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग बोला जाता है इसको जब आरबीआई बजट डेफिसिट अपना जो ये आ, क्या नाम है बजट uh, डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जब पैसा छापती है न्यू मॉनेटरी मनी को प्रिंट करती है तो उसके सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन पड़ती है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन चारों केस में होगी के सबसे ज्यादा किसका पड़ेगा ऑप्शन डी का राइट right? ओके okay. इसको कहीं भी में पूछ सकते हैं वो डेफिसिट फाइनेंसिंग पूछ लेते हैं कभी क्रिएटिंग न्यू मनी भी पूछ लेते हैं जैसे यहाँ पूछा है और भी किसी फॉर्म में पूछ लेंगे तो नाउ यू शुड नो किसका सबसे ज्यादा इन्फ्लेक्ट पड़ता है आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर राइट right? सबसे ज्यादा सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी ओके सी ऑप्शन डी नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडिया फॉरन एक्सचेंज रिजर्व राइट ओके अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे आपसे फॉरन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में एक्सचेंज रिजर्व में इसमें से कौन कौन सी चीजें काउंट होती हैं ओके सो ऑप्शन है आपका ए फॉरन करेंसी एसेट्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड लोन्स फ्रॉम फ्रॉफरन कंट्रीज ओके ऑप्शन बी फॉरन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड एस डी आर ओके करेंसी एसेट्स लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एस डी आर ओके फॉरन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द दरबीआई एंड लोन वर्ल्ड बैंक ओके तो फॉरन करेंसी अपना एक्सचेंज रिजर्व क्या क्या आता है उसमें उसमें आएगा आपका फॉरन करेंसी एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देन गोल्ड होल्डिंग्स फॉरन करेंसी एसेट्स की जब बात कर रहा हूं यहां पर आपके डॉलर भी आ सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ सकती है इंटरनेशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ सकती है एवरीथिंग यहां पर वर्ड है ना एसेट एसेट का मतलब फॉरेन करेंसी भी है फॉरेन करेंसी के फॉर्म में कोई एसेट भी है कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरनेशनल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है यूएस के बॉन्ड्स हैं सब कुछ सब कुछ काउंट होगा गए यहाँ पर थर्ड अपनी एस डी आर राइट अब एस डी आर क्या चीज होती है आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मैंने बताया हुआ है कि कैसे एस डी आर और आई एम एफ से क्या रिलेशन है आपस में राइट वॉट इज एस डी आर देन फोर्थ इज योर रिवर्स ट्रांस भी होता है एक वो भी आई एम एफ से रिलेटेड ही है ये भी होता है रिवर्स ट्रांस

राइट ओके अब प्राइस कब होगा जनरल प्राइस में सी एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ा दो ओके 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 जस्ट अ सेक लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ ऑप्शन देखते मनी सप्लाई राइट मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या इन प्राइस होगा ये डेफिनेटली लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा राइट right? तो मैं, मैं पैसे की वैल्यू भी घटेगी लोग ज़्यादा देने को रेडी रहेंगे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन आएगी राइज होगा उसके इसमें ओके okay, पहली बात तो ऑप्शन में आप क्वेश्चन से आपसे मे पूछा हुआ तो में में है तो मे में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं राइट सेकंड अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट यस अगर आपका आउटपुट ही ओवरऑल डिक्रीज़ होगा चीज़ें कम मार्केट में निकल के आएंगी तो डेफिनेटली चीज़ें क्या हो जाएंगी महंगी हो जाएंगी आउटपुट एफिशंसी घटती है चीज़ें क्या होती है जनरल प्राइस डेफिनेटली होता है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा देन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड यस, ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ रही है लोग ज्यादा देने को है इसका मतलब, दैट इज द रीजन क्या हो रहा है आपका इंक्रीज इन जनरल ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब मे लीड टू राइज इन द प्राइज लेवल ओके सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी नेक्स्ट यहाँ पे गलती से सी लिखा हुआ है इट शुड बी डी नेक्स्ट

तो यहाँ पे जो की है ये डेमोग्राफिक डिविडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज डेमोग्राफिक डिविडेंट डेमोग्राफिक डिविडेंट अपना जो वर्ड है फर्स्ट डेमोग्राफिक इट इट द द ग्राफ ऑफ़ डेमो डेमो मतलब पीपल पीपल का ग्राफ कि क्या ग्राफ मतलब कि इंडिया जो जहां भी जिस भी कंट्री का आप देख रहे हो डेमोग्राफी तो वहां पर लोगों की सिचुएशन क्या है मतलब किस बेसिकली किस एज ग्रुप से हैं कितने वर्किंग हैं नहीं है वो सब चीजें उसको बोलोगे आप डेमोग्राफी और डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली जो आपके पीपल है उनका डिविडेंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है मतलब वो कितना जनरेट कर पा रहे हैं डिविडेंड अपने एंड से कितना कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं राइट right? तो वो होगा आपका डिविडन डिविडेंड का मीनिंग यही होता है ना प्रॉफिट बेसिकली बट यहाँ पे डेमोग्राफी डिविडेंड की टर्म्स में क्या बताना चाह रहे हैं वो कि जो आपकी जो डेमोग्राफी है राइट right? वो कितना डिविडेंड प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो कितना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं दैट इज बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड एक डेमोग्राफिक डिविडेंड कब दे पाएगा जब वर्किंग एज ग्रुप के अंदर ज्यादा लोग होंगे वर्किंग एज ग्रुप के अंदर ज्यादा लोग होंगे जिसका मतलब क्या है 16 से लेकर 64 जितने ज्यादा बंदे इस एज ग्रुप में होंगे उतना डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका आउटपुट ग्रो करके निकलता है और अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो वर्किंग एज ग्रुप की आप बात कर रहे हो इसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है कि कैसे ज्यादा आउटपुट निकल के आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड से दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस राइट ओके सो अब लेट सी ऑप्शन बाय ऑप्शन फर्स्ट प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट येस इट कैन डेफिनेटली लीड टू द रीपिंग ऑफ फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंट अगर हम अपनी जो एज वर्किंग एज ग्रुप है वहाँ पर स्किल्स ज़्यादा प्रमोट करेंगे स्किल्स सिखाएं उनको तो डेफिनेटली एक अच्छी एफिशिएंसी का अच्छा आउटपुट निकल के आएगा आपके आगे राइट तो ए ऑप्शन डेफिनेटली देफ, करेक्ट ओके देन इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो क्या इससे कुछ होगा डेमोग्राफिक डिविडेंट के अंदर नो no. ये तो बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आपकी सिक्सटी फोर से अबव ऑलेज एज ग्रुप है वो भी इंक्लूड होंगे राइट सो तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एज सच की आपकी जो फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंट है सो नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इफेक्ट पड़ सकता है कि यस आप इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट को डिक्रीज करेंगे तो डेमोग्राफी डिवेंट के पार्ट ले पाएंगे लोगिशियंसी इंक्रीज करने के लिए पूछ रहा है ये तो ओवरऑल डेमोग्राफी डिविडेंट को ग्रो करने की बात कर रहे हैं यहां पर लेकिन जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है उनकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी इससे होगी नो देटाइजेशन ऑफ हाइयर एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन तो ऑन सोल्यूशन और खाली हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने से होगा नो बेसिकली अमंग द द गिवन मोस्ट ऑप्शन ऑप्शन इज ए कैन लीड टू रीपिंग ऑफ ऑफ फुल बेनिफिट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड सो प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट इज द रीजन हमारी गवर्नमेंट इतनी सारी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स भी लॉन्च करते रहते हैं इसे बहुत काम किया जा रहा है स्किल एनहेंसमेंट के ऊपर लाइक स्किल इंडिया राइट इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स है ओके सो आंसर विल बी ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन

माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ऑप्शन सी वीकर सेक्शंस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट तो एग्रीकल्चर है येस, एम एस एम ईज है येस वीकर सेक्शन अदरसेंस यस तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव राइट सो एक छोटा सा होमवर्क भी आपके लिए वॉट यू विल भी डूइंग आप करेंटली जो प्राइवेट सेक्टर लॉन्न लैंडिंग नॉर्म्स चल रहे हैं जो राइट पी एस एल लॉम्स चल रहे हैं किस सेक्शन में कितना लोन डेडिकेटेड है आप अपने एंड से चेक करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे कि लाइक एग्रीकल्चर के अंदर इतना परसेंट लोन देना होता है राइट एमएसएमई के के अंदर अंदर इतना परसेंट जो जो नॉर्म्स से अमंग द अलॉट है उसमें से कितना परसेंट एग्रीकल्चर कितना परसेंट एमएसएमई और कितना वीकर सेक्शन और बाकी रिमेनिंग भी किसके लिए कितना है यू विल बी टेलिंग मी टू इन द कमेंट सेक्शन राइट मे बी आपसे पूछ लिया जाए अपनी तरफ से हम कुछ कमी नहीं छोड़ के जाएंगे सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना दैट इज द ओनली वे टू गो अबाउट योर प्रिपरेशन राइट ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी नेक्स्ट इन द कंटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू क्या पूछ रहे हैं आपसे ओएमओ ओके ओ एम ओ क्या है ओ एम ओ के ऊपर तो मैंने डेडिकेटली वीडियो भी बना रखी है जहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ओ एम ओ क्या चीज़ है कैसे क्या फंक्शन है बट बिफोर गोइंग फॉर दैट एक्सप्लेन करने से पहले अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके उस आई विल बी टेलिंग यू वट इज ओ एम ओ ऑप्शन ए बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द आर बी आई ओके ऑप्शन बी लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड ओके ऑप्शन सी परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आर बी आई एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अब सो वट करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन बिकॉज ओ एम ओ के ऊपर इट इज अ क्वानिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी टूल बाई द्वानिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी टूल है जहां पर क्या करते हैं आर बी आई फेयर आर बी आई विल कंट्रोल द मनी सप्लाई थ्रू वॉट उंड बाईट बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई विल कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट राइट फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाए राइट मार्केट लेट्स अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए

द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी मतलब कि सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा उसके बाद कौन सा उसके बाद कौन सा उसके बाद कौन सा लिक्विडिटी क्या होती है द वे कितनी जल्दी हाउ एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू

राइट right? तो ऑप्शन फोर तो जैसी ऑप्शन फोर ये भी गया ये भी गया बाय द वे बट लेट्स नॉट गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन क्वेश्चन ही देखते हैं इसमें तो करेंसी के बाद अगर हम देखें यहां पर तो सेविंग डिपॉजिट क्या ये भी टाइम डिपॉजिट की तरह ही होते हैं राइट right? और टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में कौन सा लिक्विड है ऑब्वियसली डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपोजिट ज्यादा लिक्विड है बिकॉज टाइम डिपोजिट फिक्स लिमिट के बाद ही निकाल सकते फिक्स टाइम लिमिट के बाद ही तो करेंसी के बाद अपना होगा वन डिमांड डिपॉजिट राइट सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी

मोक टेस्ट बिकॉज मोक टेस्ट के बिना आपकी प्रिपरेशन क्या है इनकम्प्लीट बिना उसके कम्पलीट नहीं होगी सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा यू शुड बी नोइंग यू शुड बी एबल टू एक्चुअली अटेम्प्ट पेपर वो एक आर्ट है वो आप सिर्फ मोक टेस्ट के थ्रू ही सीख सकते हो जहां पर आपको पता लगेगा कि कौन से आपके वीक एरियाज हैं कहां पर आप गलती कर रहे हो कैसे क्या कर रहे हो आपको टाइम मैनेजमेंट का सीखने का मिलेगा राइट यू विल बी एबल टू नो कि आप दो घंटे के अंदर कैसे आप ऑप्शन फिल करने एंड एवरी थिंग राइट ऑल दोज थिंग्स इट इज एन आर्ट इट इज अ स्किल विच शुड यू शुड लर्न बाय गिविंग मोक टेस्ट और अगर आपने अभी तक तो भी सब्सक्राइब नहीं किया सो माई डियर फ्रेंड्स आई सिंसियरली एडवाइज यू टू गो फॉर अ टेस्ट सीरीज एंड आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू विच इज

एक स्टील डील है आपके लिए राइट अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है गो फॉर इट प्रिपरेशन जर्नी एंड आपको ये प्रॉपर एक कि कौन सा आपका वीक एरिया है राइट बिना उसके आपके मोक टेस्ट देने भी इनकम्प्लीट है आपको पता होना चाहिए कि मोक टेस्ट देने के बाद कि आपके वीक एरिया इसका है सो दैट आप कर सको इसके अंदर आपको प्रॉपर एक एनालिसिस मिलेगा राइट आपको ये भी दिखेगा कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे राइट कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है कौन सा टॉपिक अपना वीक है उनको करने की जरूरत है अच्छे से राइट सो एवरी थिंग विल बीपेयर इन दिस विल बी प्रोवाइड टू यू इन दिस टेस्ट सीरीज राइट सो गो फॉर इट रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर दिस टेस्ट सीरीज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सपोर्ट नंबर ये प्रोवाइडेड है वहाँ पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी को रिजॉल्व कर सकते हो आप सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक एंड फॉर टिल आवर नेक्स्ट वीडियो के बाय बाय थैंक यू